हेलो एवरीवन, मैथ्स टीच हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो आपका पीजी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है, उसके हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका सेशन 21-23 का है, और ये सब्जेक्ट जो है आपका, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं सभी क्वेश्चन को और ध्यान से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो है जो जानना ज़रूरी है। पेपर आईडी जो है आपका ये होता है 71102, और ये टोटल आपको 8 पेज में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और पेपर जो है आपका यहाँ पर हमारा CC जो है 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। CC1 का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो जिनको CC1 का क्वेश्चन देखना है सेशन आपका 21-23 का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन को देखते समय पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या है, बिना समय नष्ट करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा सब कोई, जो आपका यहाँ पे जो है पेपर जो है यहाँ पे CC2 है, और पेपर कोड क्या है यहाँ पे आपके गिवन है। तो पेपर कोड जो है आपका मैथ CC02 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बेसिकली हम लोग जानते हैं यहाँ पे टाइम जो है आपका टाइम 3 आवर्स रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विशेष हम लोगों को जानना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे अब नोट को देखते हैं। तो नोट जो है हमारा यहाँ पर नोट क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर एंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स आंसर फ्रॉम ऑल ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, ठीक है। यानी कि सभी ग्रुप से आपको क्वेश्चन का आंसर देना जो है एकदम कंपल्सरी है, अनिवार्य है। चलिए उसके बाद क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रुप ए, ठीक है। ग्रुप ए जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे थोड़ा सा हम लोग उसको देखने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे जो दिए हैं उसको पढ़ते हैं। जो यहाँ पे 1 नंबर जो है कह रहा है एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले आपको एग्जामिन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, और ये टोटल आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के होंगे, ठीक है। यानी इस प्रकार आपके 20 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे मतलब 1 का ए नंबर कह रहा है इफ़ ए सीक्वेंस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस देन इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आपको ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं ताकि वीडियो हमारा जो है वो लंबा ना हो। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर बी जो है कह रहा है द ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे 1+x² + x³ ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा प्लस कन्वर्जेंट टू 1-x^-1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यहाँ पे -1 to 1, ठीक है। तो ये आपको ट्रू है कि फॉल्स है बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द पावर सीरीज यहाँ पे जो पावर सीरीज यहाँ पे आपका गिवन है यहाँ पे ये जो पावर सीरीज है जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, डी है। कह रहा है द पावर सीरीज दिया है समेशन a n x^n इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स विद इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई जो है इफ p * इज रिफाइनमेंट ऑफ p देन ये जो हमारा यहाँ पे गिवन फंक्शन है क्या ये ट्रू है और यह फॉल्स है क्या है बताना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है इफ़ एफ बिलोंग टू rs a एंड g बिलोंग टू rs a मतलब अल्फा है ऑन ए बी देन आपको बताना है कि ये हमारा फंक्शन जो है ट्रू है या फॉल्स है। जी नंबर कह रहा था नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन टू वेरिएबल और यहाँ पे फंक्शन जो है आपका यहाँ पे फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है और ये फंक्शन को आपको बताना है, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच। तो क्वेश्चन नंबर एच जो है यहाँ पे हमारा कह रहा है इफ एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्यू माइनस वाई का पावर क्यू प्लस एक्स का पावर फाइव देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट ओरिजिन। ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे आई है और आई कह रहा है इफ़ यू बराबर एफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई देन आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपके फंक्शन है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड बराबर जीरो होता है ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका जे जो है जे नंबर क्वेश्चन जो है आपका जे नंबर क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है तो जे देखते हैं इफ एक्स बराबर आर साइन थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस साइन फाई ठीक है और जेड बराबर आर कॉस थीटा देन आपको यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है डेल एक्स वाई जेड पॉन डेल आर थीटा फाई बराबर जीरो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका ग्रुप बी। ठीक है तो ग्रुप बी जो है आपका ध्यान से देखिएगा इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझना है नोट जो यहाँ पे दिया हुआ है नोट को ध्यान से देखिएगा। नोट कह रहा है कि आंसर एनी फोर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है और ये सभी चीज़ें जो है आपका फोर मल्टीप्लाई फाइव यानी ट्वेंटी नंबर के हैं और टोटल क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर बनाना है और एक क्वेश्चन पाँच नंबर के आपके रहेंगे। ठीक है तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू है कह रहा है स्टेट एंड प्रूव कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स कन्वर्जेंस। एक आपको स्टेट एंड प्रूव करना है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को। क्वेश्चन नंबर थ्री जो कह रहा है डिफाइन पावर सीरीज एंड पावर डैट द पावर सीरीज यहाँ पे समेशन ए का पावर एन ए एन एक्स का पावर एन इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट यहाँ पे मॉड एक्स जो है लेस देन इक्वल टू पी और लेस देन आर है। ठीक है तो वेन आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कह रहा है लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन एंड अल्फा ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ए बी देन प्रूव डेट करना है लोअर आर एस इंटीग्रल ऑफ आर रिलेटिव टू अल्फा कैन नॉट एक्सीड द अपर आर एस इंटीग्रल। ठीक है चलिए उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कह रहा है स्टेट इनपुट टायलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पर टायलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देना है आपको और प्रूफ करना है टू वेरिएबल के लिए। ठीक है सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ डेट करना है आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज यहाँ पे डेल वाई वन वाई टू ऐसे ऐसे करके वाई एन अपॉन डेल यहाँ पे एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन ऐसे करके आपका इंटू डेल एक्स वन एक्स टू एक्स एन और ऐसे अपॉन डेल वाई वन इज इक्वल टू वन। ठीक है इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए इस प्रकार टोटल हमारे ग्रुप बी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। छः क्वेश्चन आपको रहेंगे ग्रुप बी में जिसमें किसी भी चार का आंसर आपको देना है। ठीक है चलिए इस प्रकार अब हम लोग आते हैं ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा और ग्रुप सी जो होता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और नोट यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा आंसर इन थ्री क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि तीन क्वेश्चन का आंसर देना एकदम अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन दस नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे एडवांटेज है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए टेन मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है चलिए उसके बाद हम यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है ग्रुप सी का सेवन नंबर क्वेश्चन से। तो स्टेट एंड प्रूव करना है डिरिचलेट्स टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है चलिए उसके बाद क्या है आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है एट यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। ठीक है यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड करना है जो कि यहाँ पे फॉलोइंग पावर सीरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर सीरीज ये है हमारा और दूसरा पावर सीरीज हमारा ये है। ठीक है तो दोनों का आपको यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस ऑफ फाइंड आउट करना है पावर सीरीज का। चलिए उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर आर एस इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है तो इसको आप लोगों को स्टेटमेंट करना है और प्रूफ आउट करना है। ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा टेन कह रहा है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन यू इज गिवेन बाई यू दिया हुआ है साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। आपको यहाँ पे डिस्कस करना है मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का यू का। उसके बाद इलेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टेट एंड प्रूव कह रहा है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर
जैकोबियन वेनिस, जैकोबियन टू वेनिस। तो ये आपका स्टेटमेंट और यहाँ पे बताना है नेसेसरी भी कंडीशन और सफिशियंट दोनों कंडीशन जैकोबियन टू वेनिस के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल जो आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो तीन ग्रुप में बटे होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ए जो है आपका, ए से टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, बी से भी 20 नंबर का और सी से हमारे 30 यानी 30 नंबर का। तो इस प्रकार हम सबको अगर प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है 70 नंबर का मार्क्स जो है आपका एग्ज़ाम में आपको देना है, बाकी 30 नंबर का जो मार्क्स बच जाते हैं तो 30 नंबर का मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, तो बाकी प्रैक्टिकल कितना मिलेगा आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है यही आपके CC2 के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर करके और आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। और आप लोग मतलब कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये आपका 18-21 सेशन का है तो वैसे ही बाकी सेशन का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।